आप सभी को नमस्कार, मैं विशाल गोयल, युवा भारत असंध देख रहे हैं। इस समय आप तस्वीरें देख रहे हैं असंध के मुख्य बाजार की। आपको बता दें लॉकडाउन 3.0 के अंतर्गत दुकानदारों को अभी ओड इवन के तहत दुकान खोलने के निर्देश आज से जारी कर दिए गए हैं। ओड इवन सिस्टम क्या है? ओड इवन वैसे तो सम और विषम संख्या है, जिसके अंतर्गत 2, 3, 4 इत्यादि संख्या को एक दिन खोला जाता है, एक दिन बंद किया जाता है, या फिर तरह के नियम बनाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर असंध प्रशासन ने यहाँ पर रंगों का इस्तेमाल किया है। लाल रंग और नीला रंग, दो तरह के रंग यहाँ पर इस्तेमाल किए गए हैं। लाल रंग वाली दुकानें जो कि सोमवार को खोली जाएगी, वहीं नीले रंग वाली दुकानें मंगलवार को खोली जाएगी। इसको लेकर उद्देश्य क्या है, प्रशासन का उद्देश्य क्या है? प्रशासन इसके लेकर इस उद्देश्य के तहत कार्य कर रहा है कि इस प्रकार दुकानों के कम खोलने से बाजार के अंदर भीड़ कम होगी और सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहेगी। लेकिन वहीं इसके ठीक विरोध में दुकानदारों ने भी अपना पक्ष प्रशासन को बताया है। दुकानदारों ने अपना विरोध जताया है। विरोध जताते हुए दुकानदार संघ प्रशासन से भी मिले हैं। दुकानदारों का इसको लेकर कहना यह है कि अगर दुकानें अधिक खोली जाएगी तभी भीड़ को कम हो सकती है। दुकानों को कम कर देने से भीड़ कम नहीं होएगी, बल्कि भीड़ से बढ़ेगी, ऐसा मत दुकानदारों का है। लेकिन अभी आज आप असंध के मेन बाजार की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर आपको बता दें किस प्रकार आप भीड़ है, कितनी दुकानें खुली हुई है, कितनी नई, इसका आईडिया आप स्वयं देख सकते हैं। उसके साथ साथ आज के विषय में एक और बात देखने को मिली। आज जैसे कि इसका पहला दिन था, प्रथम दिन था, उसी के तहत दुकानदारों ने कहा, दुकानदारों ने इसका विरोध जताया, और विरोध के साथ साथ कुछ दुकानदारों ने अन्य दुकानदारों का भी इससे विरोध जताया है। वो विरोध क्या है? कुछ दुकानदारों का कहना यह है कि उनके साथी, उनके अन्य कुछ दुकानदार अपनी दुकान या तो उनके आज नियम के अंतर्गत नहीं है, उसके बावजूद भी उन्होंने खोला हुआ है, या फिर वो ग्राहक आने के बाद दुकान को खोल रहे हैं, जिससे उनके अंदर एक नियम को तोड़ने का कार्य वो कर रहे हैं, ऐसा दुकानदारों का स्वयं कहना है। उनका कहना यह है कि प्रशासन को इस पर या तो इस नियम को ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि आपको बता दें कि सुबह 8 से लेकर 2 बजे तक की दुकानें खोलने का निर्देश दिया गया है। 8 से 2 तक कैसा वो कार्य कर सकते हैं, कैसा नहीं, ऐसा दुकानदारों का कहना है। या तो इस नियम को ख़त्म कर देना चाहिए, या फिर जो ये नियम बनाया है उस पर और अधिक सख्ती से पालना करवाई जानी चाहिए, उस नियम को और अधिक सख्त किया जाना चाहिए, ताकि कोई भी दुकानदार इस प्रकार के नियम को ना तोड़े और नियम को तोड़ते हुए अपनी दुकान ना खोले। दुकानदारों का यह साफ रूप से कहना है कि अगर एक दुकानदार नियम को तोड़कर दुकान खोलता है तो दूसरे दुकानदार को भी मजबूरन या तो दुकान के बाहर खड़े होना पड़ता है, या फिर अपना नियम तोड़ने की कोशिश करनी पड़ती है। कहीं ना कहीं ऐसा नियमों को तोड़ना प्रशासन को भी इससे परेशानी होती है। और दुकानदारों ने साफ रूप से कहा है कि अगर सोशल डिस्टेंसिंग बनाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का कार्य करना है, तो इस पर लोगों को स्वयं जागरूक होना पड़ेगा और दुकानदारों की दुकानों की खोलने की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। इस प्रकार उन्होंने मत दिया। उसके साथ साथ आप असंध के मेन बाजार के विषय में तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी मोटरसाइकिलों के साथ कितनी संख्या के अंदर लोग बाहर आए हुए हैं, बाहर किस तरह से घूम रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये भी एक सोशल डिस्टेंसिंग को तोड़ने का कार्य कर रही है। तो यह प्रशासन का कार्य है, प्रशासन इस पर कार्रवाई करेगा कि किन दुकानदारों ने आज नियम को तोड़ दिया या फिर कौन दुकानदार नियम तोड़ रहा है, यह कार्य प्रशासन का है। लेकिन हमारा कार्य आप सभी को बताना है, सूचना देनी है, प्रशासन का जवाब लेना है। तो अब अगर आप इस प्रकार का दुकानदारों के द्वारा सुबह 8 से 2 ओड इवन के तहत दुकान खोलने के समर्थन में है तो आप इसके विषय में भी कमेंट कर सकते हैं। अगर आप इसके विरोध में हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वहीं आपको साथ साथ बता दें कि वर्तमान के अंदर सभी तरह की दुकानें खोलने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जहाँ पर अगर मिठाई की बातचीत करें, ढाबे की बातचीत करें, या फिर मेडिकल सर्विस की बातचीत करें, या फिर दूध की डायरी की बातचीत करें, इन्हें इस ओड इवन नंबर के तहत से ओड इवन जो प्रक्रिया है इसके है अलग रखा गया है। बाकी सभी दुकानें जो है इस प्रक्रिया के तहत है। एक दुकान के बाहर लाल रंग लगाया गया, दूसरे के बाद नीला रंग लगाया, इसके तहत ही दुकानें खोली जा रही है। तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। युवा भारत असंध आप देख रहे हैं। वीडियो को शेयर कर लोगों तक जानकारी दे। प्रशासन इस पर चिंतन अवश्य करे कि ये मामला क्या है, इसको किस तरह और अधिक सुधारा जा सकता है। धन्यवाद। मानशु वर्मा मेरे साथ मौजूद है, विशाल गोयलू में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।